अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। आज ईद का पांचवा दिन और मैं अभी ईद के दिनों में व्लॉगिंग कर रहा था, क्योंकि हम लोग तो इधर उधर जाते रहते हैं। ईद के कुछ दिनों में हम लोग जाते रहते हैं, इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिलता व्लॉगिंग करने का तो आज तो मैं बाइक घर पर आया हूँ। और ये देखो यहाँ पे किसी तेज बारिश हो रही है, और ये देखो भाई साहब ठंड भी बहुत हो रही है, क्योंकि यहाँ से समंदर भी बहुत करीब है ना, सर्दी लग रही है। गेट बंद कर दो भाई, अभी बज रहे हैं 12 और मौसम देखो तुम लोग, और वो दूर दूर तक देखो वो कौन कौन सी बिल्डिंग है, वो पता नहीं क्या वहाँ वहाँ पे तो तेज बारिश हो रही है। मैं भी अभी अभी उठा था, तो मैंने जब भी मैं उठा मैंने बोला ये सुबह सुबह कैसे हो रही है, फिर मैं बाहर आके देखा तो बारिश हो रही है। और वैसे मेरा एक गेमिंग का चैनल भी है, उसका लीजिए वैम्पायर गेमिंग के चैनल है वो, उस पर सिर्फ मैं गेमिंग की वीडियोस डालूंगा और कोई भी नहीं डालूंगा, और उस पर थोड़ा थोड़ा फ्री फायर की गेमिंग होती रहेगी। तो तुम लोग भी जाओ और उसको भी सब्सक्राइब करो, और वाले चैनल पर भी मुझे सपोर्ट दिखाओ। चलो यार बस गेट बंद कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। हाँ बेटा अपनी है मेरी तो। चलो यार अंदर बैठ जाते हैं। अबे यार फिर से सर्दी कैसे लगने शुरू हो गई, यहाँ से भी विंडोज बंद है। अच्छा यहाँ से बारिश हो रही है, अरे ओए मोबाइल गीला हो जाएगा। बस बस भाई इसको भी बंद कर देते हैं, ये भी हो गया बंद। और भाई मैं तो सोच रहा था कि लिटिल वैम्पायर वाले चैनल पे ही मैं वीडियोस गेमिंग की भी बनाऊँ, ब्लॉगिंग भी करूँ। नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने सोचा भाई बोली वो व्लॉगिंग का चैनल हो, ये वाला गेमिंग का चैनल हो, इसलिए मैंने ये गेमिंग का चैनल बनाया। तो अभी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यार, मैं मिलता हूँ तुम लोग से थोड़ा सा फ्री फायर खेलने के बाद। चलो यार नाश्ता तो कर लें अपना, बारिश में बारिश के मौसम में नाश्ता। और ये हम लोग ने मंगवाया हंगरी हबीबी से खाना, आहा देख के ही पानी आ रहा है मुंह में तो मेरा। तो ये मेरे हमारा खाना आ चुका है, उसको टेस्ट करके बता दो। A few moments later. उसको बोला। और ये आ गया हमारा कुनाफा। गाइस रात हो चुकी है और अभी मैं लाया हूँ बाहर से राइस, और मेरा खाना ख़त्म नहीं हो रहा भाई, मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद है। और अभी हम लोग तो भाई बर्गर खा के आ रहे हैं, और अभी मैंने फ्राई भी पैक करवा लिए थे थोड़े से। उसको बहुत ही बढ़िया है भाई, फ्राई वगैरह खा लिया और अभी मैं जा रहा हूँ कैफे। और तुम लोग सोच रहे होंगे वैम्पायर कहाँ है भाई, वैम्पायर कहाँ है भाई, अभी आज है फहद भाई की शादी है, तो वैम्पायर अभी फहद भाई की शादी में गया। चलो भाई कैफे के अंदर पहुँच चुके हैं। क्या हो गया भाई, क्या भाग रहे हो तुम लोग, कहाँ भाग रहे हो। और ये देखो आप पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है कैफे, क्योंकि पहली पिछली बार जब हम लोग आए थे तो फिर ऐसा नहीं था, और आप देखो कितनी हॉरर थीम बना दिया। और क्या हो रहा है भाई, तुम डर रहे हो के अंदर आ चुके हैं भाई, क्या हो गया तुम लोग, डराओ नहीं मेरे को। और ये क्या भूतों की अलमारियां लगाई हुई क्या यहाँ पे, वो खुल क्यों नहीं लॉक हुई है। अरे पिक लो यार थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। ओ अबे ये क्या, अबे डर गया यार मैं, तकिया है पता नहीं क्या हॉरर थीम बनाई हुई, एक तो डॉग है तो डॉग्स लाइक। अरे देखो भूत के लिए माइक लगा हुआ है यार, भूत क्या बोलने जाएगा इंसानों को मारने के लिए। और ये दादाजी भूत लग रहे हैं, तो ये है दादाजी भूत और ये है बेटा जी भूत। सभी मैं वैम्पायर कैफे में अकेला हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है भाई कि असली में ना आ जाए भूत यार। तुम लोग भी वैम्पायर कैफे जरूर आना, क्योंकि यहाँ की हर एक एक चीज अच्छी है भाई। अभी मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, बोर हो रहा था मैं, तो मैंने अभी ऑर्डर दिया है पिज्जा फ्राइज मंगवाया अभी मैंने, और अभी आते ही होंगे बस थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखो ये आ चुका है हमारा वैम्पायर ड्रिंक, और ये है पिज्जा फ्राइज। सबसे पहले तो ये वैम्पायर ड्रिंक टेस्ट करके बता दो। The next morning. और आज हम लोग जा रहे हैं साइंस वर्ल्ड, तो चलो चलते हैं। और ये देखो ये है वैम्पायर की नई गाड़ी MG। बस हम लोग पहुंच चुके हैं मूवी देखने के लिए, मगर उससे पहले भूख बहुत लग रही है तो कुछ खा पी के चलते। तो बस खाना शाना खा लिया था और अभी हम लोग आ चुके हैं मूवी देखने। तो बस खाना शाना खा लिया था और अभी हम लोग मूवी देखने बैठ चुके हैं। और ये देखो यार बहुत डर लग रहा है। तो
भी सच के ले रहा हूँ। और हम लोग घर आ चुके हैं और एम्पायर को देखो यार, तुम बड़ी एमजी ले रहे हो, मेरी ईदी निकालो। यार एमजी ले ली, लूट गया हूँ मैं वैसे अभी ना। मेरी ईदी तो निकालो भाई, ईदी तो निकालो मेरी, तुम बड़ी एमजी स्पोर्ट्स कार ले रहे हो। हैं जी ले ली, पैसे वैसे बचे नहीं है अब। अबे भाई नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता, ईदी निकालो मेरी। ईद को भी 5-6 दिन हो चुके हैं, अब बैठ जाओ। नहीं ईद को 5-6 दिन हो गए तो एक महीने तक पूरी ईदी दे सकते हैं भाई। करेगा माफ करो, मैं तो नहीं दे रहा भाई ईदी। ईदी जाओ यार भाई, नहीं मुझे चाहिए, मुझे कुछ ईदी नहीं थी। मैं तुम्हें क्या ईदी दूँ? यूट्यूब वाले देते होंगे भाई तुम्हें ईदी। यूट्यूब वाले क्यों देंगे ईदी? यूट्यूब वाले मुसलमान थोड़ी है। मुसलमान थोड़ी ना है तो क्या, ईदी तो मुसलमानों में होती है ना। निकालो भाई मेरी ईदी। ईदी रखो ये 500 क्या दे रहे हो? 5,000 दो ना। 500 बहुत है बेटा। नहीं भाई 500 रुपए में हो जाएगा तुम्हारा क्या, पेट पूजा हो जाएगी? पेट पूजा नहीं करनी मुझे। खाओ जाके रेडी जो फ्राइज व्राइज खाओ, 500 में बहुत अच्छी डील मिलती है। नहीं भाई मुझे एमजी लेनी है, मुझे भी एमजी लेनी है। 5,000 रुपए की एमजी आती है तो पैसे जमा करूंगा ना मैं भी। तो हर साल ईद पे जमा करोगे यार ईदियों का? हाँ ईदी के 10 साल लग जाएंगे। 10 साल नहीं, फेंक कर दिए पैसे, ये तो पकड़ो भाई, तुम ही रखो अपनी ईदी। अरे 5,000 चाहिए, देना है तो दो, वरना नहीं दे रहा भाई। जाओ काम करो भाई, मुझे चाहिए ना। नहीं तुम्हारे मुंह पे 5,000 क्या दूँ? ये नहीं पता भाई, दो कैसे भी करके। चलो ये तो ईदी नहीं दे रहा इसको, तो मैं बाद में देख लूंगा। मगर इसी के साथ इसी वीडियो को दही लाते फुल स्टॉप। मैं बोलूँगा तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में। लाफ टेक केयर, बाय बाय। चलो शाडो।